पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको हमने दो कैटेगरी में रखा है। एक होता है ओपन एंडेड क्लास और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्लास। ये वर्ड क्लास है, दो क्लास हम देखते हैं, एक ओपन एंडेड क्लास और दूसरा क्लोज एंडेड क्लास। अब ओपन एंडेड क्लास यानी क्या? अब देखो वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक होता है, ये आपको पता है। वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एफिक्स होते हैं, एफिक्स क्या होता है, एफिक्सेस, ये दो प्रकार के एफिक्सेस होते हैं, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। ओके, अब ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो ये होता है ग्रुप ऑफ मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, इट कांट स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन ये जो लेटर है तो वो लेटर क्या काम करते हैं, वर्ड का क्लास चेंज कर देते हैं। अब वर्ड का क्लास चेंज करना यानी क्या कि नाउन जो है, नाउन क्या बन सकता है, नाउन वेरी गुड, नाउन एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब बन सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव बन सकता है, और एडजेक्टिव जो है वह नाउन फिर से बन सकता है और वर्ब बन सकता है। ये पावर किस में है क्लास चेंज करने का पावर? तो ये पावर एफिक्सेस को है। अब ये सफिक्स यानी क्या, जो बेस वर्ड है, जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद में कुछ लेटर अगर लगते हैं। ओके, अभी ट्रीट है, ट्रीट T-R-E-A-T, ट्रीट। अभी मैंने इसको मेंट लगा दिया, ये बन गया ट्रीटमेंट। अभी ये जो ट्रीट है ये रूट वर्ड है, और ये जो मेंट है, मेंट, इसका कोई मीनिंग बन रहा है क्या? मैंने अगर ये बोला कि आप बहुत मेंट हो, कुछ समझ में आ जाएगा आपको? नहीं समझ में आएगा। तो मुझे वही बताना है कि ये जो मेंट होता है इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता, ओनली ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसको हम सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं। लेकिन ये लेटर जब किसी रूट वर्ड के साथ लग जाते हैं ना, तो उसकी किस्मत बदल देते हैं, उसकी किस्मत बदल देते हैं। देखो ट्रीट हो गया, ये ट्रीट जो है वर्ब है, ट्रीटमेंट लग गया तो उसका नाउन बन गया, देखो प्रमोशन हो गया उसका। ओके, तो ये जो है इसको बोलते हैं सफिक्स। लेकिन अगर हैप्पी है, हैप्पी, मैंने अगर अन लिख दिया यहां पे, तो अन हैप्पी, हैप्पी तो रूट वर्ड है, हैप्पी तो पता है, हैप्पी एडजेक्टिव है। लेकिन मैं अगर यहां पे अन लगा दिया तो ये हो गया प्रीफिक्स, मैंने बिफोर लगा दिया अन को, अन का कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन अन जब आता है तो इस वर्ड को क्या बना देता है, अपोजिट वर्ड बना देता है। मतलब कुछ सफिक्स प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो वर्ड को अपोजिट बनाते हैं, और कुछ सफिक्स प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो वर्ड का क्लास बदल देते हैं। चलो पॉइंट पे आते हैं। अभी ओपन एंडेड क्लास यानी क्या कि कोई क्लास वर्ड है, जैसा कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, इसको हम ओपन एंडेड क्लास क्यों बोले? क्योंकि ये जो वर्ड्स है इसके साथ एफिक्स और एफिक्सेस लग सकते हैं, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्सेस लग सकते हैं, और लग के इनका फॉर्म चेंज होता है, इनका क्लास चेंज होता है। लेकिन हम अगर क्लोज एंडेड की बात करें तो क्लोज एंडेड क्या है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। तो इसके बाद में कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगता, इसलिए हमने इसको कहा है ओपन एंडेड क्लास। और इनके बाद में जो है प्रीफिक्स और सफिक्स लग सकता है और उनका फॉर्म चेंज, उनका क्लास चेंज हो सकता है, इसलिए हमने इनको कहा है ओपन एंडेड क्लास। ओके, तो ये लिख लेना है आपको कि ओपन एंडेड क्लास क्या है और क्लोज एंडेड क्लास क्या है, ओपन एंडेड क्लास का मतलब क्या होता है और क्लोज एंडेड क्लास का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नाउन का एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव का एडवर्ब बन सकता है, कुछ आपको क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना होता है, और वो लगाने के बाद इनके क्लासेस जो है चेंज होते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। चलो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आइडेंटिफिकेशन उसका देखते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के बाद सेंटेंस में उनका रोल क्या होता है ये हम देखेंगे। अभी सबसे पहले लेते हैं हम लोग नाउन। अब ये नाउन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन का अलग अलग डेफिनेशन बनते हैं,
नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल वगैरह होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में एक डेफिनेशन बताता हूं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है जिस किसी को भी हमने नेम दिया है, जिस किसी को भी हमने नाम दिया है, वो सभी जो है वह नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भी एक नाम है, वो भी नाउन है। ये मेरे सामने टेबल है, वो भी नाउन है। मेरे सामने ट्राइपॉड है, वो भी नाउन है। डायस यहाँ पे नाउन है, चेयर यहाँ पे नाउन है, और फैन है, बल्ब है, बोर्ड है, ये वॉल है, ये पेन है, ये शर्ट है, ये हेयर है, ये सभी जो है मुझे जो दिख रहे हैं, हमने जिस किसी को भी नाम दिया है, वो सभी जो है नेमिंग वर्ड्स है, और उस नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी उसको कैटेगराइज नहीं करने का कि एनिमल का नाम आ गया तो वो नेम हो गया, पर्सन का नाम आ गया तो वो नेम हो गया, सिटी का नाम आ गया तो वो नेम हो गया, वैसा नहीं करना है। तो देखो, ये भी बात बता दूं कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या हो सकते हैं? नेम हो सकते हैं। टू फॉर्म ऑफ वर्ब भी नेम हो सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि जो नॉन फाइनाइट है वो किस प्रकार नाउन बोल करके यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये समझ लो कि जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ओके, इस नाउन का फंक्शन सेंटेंस में क्या आएगा ये भी मैं बताता हूं। नाउन प्लेज द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट कहां पे होगा? अगर सेंटेंस के बिगनिंग में हम नाउन को ले रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में अगर वर्ब के बाद में, क्योंकि वर्ब के बाद में भी हम नाउन लेते हैं तो वो होगा हमारा, वर्ब के बाद में लेते हैं तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको वर्ब का नाम बदल जाता है। ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है। आपको पता है वर्ब के दो टाइप्स है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब बनता है ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वर्ब बोलता है इंट्रांजिटिव बनता है। उसके बाद में अगर प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आएगा? नाउन आएगा, कंपल्सरी है, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन का ही डेफिनेशन वैसा बनाया है, क्योंकि रिलेट करता, रिलेशन बताता है, प्रेपोजिशन आता है, इसका मतलब यहां से नाउन आएगा। लेकिन यह बात ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन जो है वो होता है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो, नाम बदल रहा है, नाम के साथ उस वर्ड का फॉर्म भी बदल जाएगा। अगर एक नेम ले रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो, तो नाम तो सेम रहेगा, लेकिन नाम के जगह पे आप जब प्रोनाउन ले रहे हो तो उस प्रोनाउन का फॉर्म बदलेगा। ये नाउन का, ये जो नाउन ले रहे हो किसी का, अगर रोहित आपने लिया तो रोहित का क्या बदल जाएगा? उसका रोहित का रोहित ही रहेगा, रोहित का नाम बदल जाएगा। रोहित को यहां पे सब्जेक्ट बोला हमने तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर हम कोई प्रोनाउन यहां पे लेते हैं और उसी प्रोनाउन को हमें यहां पे रिपीट करना है तो उसका फॉर्म बदल जाएगा, या फिर यहां पे दूसरा कोई प्रोनाउन यूज करना है तो उसका फॉर्म बदल जाएगा, क्योंकि आपको केसेस पता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यहां पे अगर सेंटेंस के बिगनिंग में कोई नाउन और प्रोनाउन लेना है तो सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद लेना है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, प्रेपोजिशन के बाद में लेना है तो ऑब्जेक्टिव केस में लेना पड़ेगा। ये होता है फंक्शन ऑफ द नाउन इन द सेंटेंस। ओके, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि जो अलग अलग नाउन के प्रकार है इसको हमने अगर डिवाइड किया दो में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल जो होता है वो काउंटेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट, जिसको हम कर सकते हैं उसको हम काउंटेबल, और अनकाउंटेबल जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आता है, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर फॉर्म में। अभी देखो, काउंटेबल कौन से है? काउंटेबल ओनली एंड ओनली होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये जो है काउंटेबल है। बाकी कितने नाउन है? देखो, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन ये अनकाउंटेबल है, उसके बाद में मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल है, उसके बाद में जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन
काउंटेबल एक कलेक्शन है लेकिन उसको हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर, तो इसको हम इधर ही लेते हैं। देखो मैं क्या बोला, कल फिर आप बोलोगे सर वो तो फिर मतलब तो ग्रुप बता रहा है। देखो जो कलेक्टिव नाउन है कलेक्शन है, पीपल का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन है, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स मैंने लिया, गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है, गर्ल्स प्लूरल कॉमन नाउन है। लेकिन मुझे अगर इसका गर्ल्स का यूनिट बताना है तो मुझे जाना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन में, और कलेक्टिव नाउन उसको बनाता है बेबी। ओके मुझे अगर कैटल्स को लेना है, कैटल्स प्लूरल है, तो मुझे फिर कलेक्टिव नाउन में उसको डालना है, तो यहां पर बनेगा हर्ड, बराबर है। और मुझे अगर फ्लावर को लेना है, फ्लावर्स क्या है, कॉमन नाउन है, उस फ्लावर्स को मुझे अगर कलेक्ट करके कलेक्टिव बनाना है तो वो होगा बुके। अगर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, देखो 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 मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लो, समझ में आना चाहिए आपको। देखो कि ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का अगर प्लूरल फॉर्म लेते हैं, उस प्लूरल फॉर्म को अगर हमें कलेक्टिव नाउन में रखना है तो प्लूरल फॉर्म के साथ कलेक्टिव, अगर सेंटेंस का बनाना है तो हम क्या बनाते हैं, देखो ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हो गया कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। अगर स्टूडेंट्स का मुझे कलेक्टिव नाउन करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्लास। फिर इसको सेंटेंस में मुझे फॉर्म करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अ क्लास ऑफ, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ मुझे सेंटेंस बनाना है तो मुझे यहां पे इज यूज करना पड़ेगा या फिर आर यूज करना पड़ेगा। देखो हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए, बच्चों का फोकस होता है स्टूडेंट्स पे और टीचर पढ़ाते हैं बच्चों। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे वही बच्चों ये भी मैं बता रहा हूं कि आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं रखना है, इसके बिफोर क्या है, कहीं कलेक्टिव नाउन तो नहीं है ये देखना है। अगर कलेक्टिव नाउन होता है तो आपको यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है। अगर ये कुछ भी नहीं होता, अगर खाली स्टूडेंट्स होता तो डेफिनेटली आपको आर ही आएगा, यहां पे प्लूरल ही आएगा। मतलब आपका जो नजरिया है वो नजरिया कैसा होना चाहिए, तो ईगल के जैसा नजरिया होना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड पे नजरिया हो, नजर होना चाहिए आपका। क्योंकि देखो अ इसको मैंने लिया, अब अ तो इसका कोई वेटेज ही नहीं है, हम कभी पढ़ते हैं जब हम रीड करते हैं तो इसको कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी ध्यान से निकल जाता है, लेकिन इसका भी एक फंक्शन है वर्ड में, सेंटेंस में, इसको वर्ड कहा जाता है, इसका भी एक वर्क है, इसका भी एक जो है सेंटेंस में यूज होता है, इसको बोलते आर्टिकल। ओके आर्टिकल मतलब अभी से फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रामर पढ़ने का यही मकसद है कि छोटी छोटी चीज जो है, अभी देखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद हम फुल स्टॉप कभी कभी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप में तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, व्हाट्सएप में तो फुल स्टॉप नहीं होता, ऐसा कुछ मानते हैं कुछ लोग और कभी यूज ही नहीं करते, ऐसा कर करके हमारा पूरा लैंग्वेज का वाट लग गया। देखो अगर आपको उस वाट से बचना है तो ये फंक्शनल ग्रामर आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके तो देखो पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल कितने होते हैं, तीन आर्टिकल होते हैं, कौन से, ए एन और द। ये तीन आर्टिकल जो है यह हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो में, ए एन बनता है इंडेफिनेट आर्टिकल और द बनता है डेफिनेट आर्टिकल। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह इस आर्टिकल्स को सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके चलो पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, हम क्या देख रहे थे कि ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात हम कर रहे थे, तो फिर यहां पे काउंटेबल में कॉमन नाउन आया और अनकाउंटेबल जो है इसको हम कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर बोल करके लेते हैं, इसलिए हम यहां पे कलेक्टिव नाउन को इस कैटेगरी में रखते हैं। ओके ये हो गया कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद में होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके